Good morning, class 3. Good morning to all. Children, come live. This class is arranged for revision purpose. Your midterm examination is on the door. बहुत जल्दी आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाला है जी, और उसी की रिवीजन के लिए आज आपका क्लास जो है वो अरेंज किया गया है. गुड मॉर्निंग आर्यन, हाउ आर यू, हाउ आर यू चिल्ड्रन. Children, in mathematics, there are 5 chapters that will ask in your midterm examination. Good morning, Aryan. How are you? Children, first of all, these are the chapters, chapter number 4 and 5. I think so you all are well at your home in the COVID situation, in the COVID time. Children, come and let's start the topic. This class is arranged for your revision. For your midterm examination, these are the chapters that will ask. Good morning for me, Aditya Mimal. Good morning. Chapter number 4 and 5, chapter number 6 and 7, and chapter number 8. There are 5 chapters that will ask in your midterm examination. 4 and 5 chapter is your July course. वो आपका क्या था? July course है. और 6 and 7 जो हमारा August course था main maths में. और chapter number 8. दिस इज़ योर अक्टूबर मंथ कोर्स. तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसकी 50% जितनी आपको पढ़ाई गई है वहाँ तक आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड द क्वेश्चन विल आस्क इन MCQ. आपको क्वेश्चंस जैसे आपने पीरियोडिक दिया है सेम वे में उसी तरीके से आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होगा इन मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. चैप्टर 1 से आएगा? नो बेटा, नो आदित, चैप्टर वन से नहीं आएगा. चैप्टर 1 एंड 2, दैट इज़ योर जून कोर्स, उस चैप्टर से, जून कोर्स से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर मंथ के कोर्स से आएंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन में. गॉट इट चिल्ड्रेन? So, let's start the revision. Are you ready? Tell me, children. Reply fast. किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे. No, आदित्य, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे. हर एक सब्जेक्ट में जून की कोर्स नहीं पूछी जाएंगी, जुलाई से पूछी जाएंगी. जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर. अक्टूबर 50% जितनी भी आप लोगों को पढ़ाई गई हैं वहीं तक पूछी जाएंगी. गॉट इट? नाउ कम एंड ओपन योर बुक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 का बुक में ओपन करो आप लोग. एंड चैप्टर 4 इज एडिशन. हमारा चैप्टर 4 क्या है? एडिशन है. यू ऑल नो वेरी वेल हाउ टू ऐड the addends. Chapter 4 is addition. ये हमारा first chapter है जो कि midterm examination में पूछी जाएंगी.
इनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इन दिस चैप्टर, दैट इज एडेंट्स एंड सम. व्हाट इज एडेंट्स एंड सम? तो हमने बताया था व्हेन टू और मोर नंबर्स आर एडेड, जब हम दो या दो से अधिक नंबर ऐड करते हैं, ईच ऑफ द नंबर टू बी एडेड, और जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर इज नोन एज एन एडेंट्स. वो क्या कहलाता है? एडेंट्स कहलाता है. लुक हियर, एज फॉर एग्जाम्पल 25 प्लस 32, दीज बोथ आर एडेंट्स. ये दोनों क्या है? हमारे एडेंट्स हैं. इन दोनों को क्या कहेंगे? एडेंट्स. एडेंट्स, गॉट इट? एंड द रिजल्ट ऑब्टेंड आफ्टर एडिशन, जो भी रिजल्ट आप ऑब्टेंड करोगे आफ्टर एडिशन, दैट इज योर सम. वो आपका क्या निकलेगा? सम निकलेगा. एज फॉर एग्जाम्पल लुक, दीज आर द एडेंट्स. ये तो हमारा क्या है? एडेंट्स है. वेन वी एड बोथ द एडेंट्स, जब हम बोथ दोनों एडेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 5 + 2 = 7. सो यू राइट इन द वंस प्लेस 7. 2 and 3 = 5. सो यू राइट इन द टेंस प्लेस 5. 57, एंड 57 इज द रिजल्ट, एंड 57 इज ऑल्सो नोन एज सम. 57 को हम क्या कहेंगे? सम कहेंगे. गॉट इट चिल्ड्रेन? ये दीज बोथ आर एडेंट्स, ये हमारे दोनों एडेंट्स हो गए, एंड दीज आर द रिजल्ट इज आर सम. रिजल्ट क्या होंगे एडिशन में? सम होंगे. व्हेन टू और मोर नंबर्स आर एडेड, ईच ऑफ द नंबर टू बी एडेड, जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर इज ऑल्सो नोन एज एडेंट. हर एक नंबर क्या कहलाएगा? ये भी एडेंट है, ये भी एडेंट है, बोथ आर एडेंट्स. And the result obtained after addition, जो भी result हम obtained करते हैं addition के बाद, that is our sum. वो हमारा क्या होता है? Sum होता है. So, I want to ask some MCQ questions. Got it? So, the children, let's start. Yes, ma'am. Good morning, Pammi Nidhi. So come and let's start the topic. Some questions will be asked here. पूछूंगी कुछ questions जो हैं वो. इस chapter आपने पढ़ा है, additive properties पढ़ा है, grouping properties पढ़ा है. तो on the basis of these things, इन सभी चीज़ों के basis पे आपसे कुछ MCQ questions arise किया जाएगा. मैम midterm में questions answer आएंगे? No बेटा, all the questions will ask ऑब्जेक्टिव टाइप. इट मीन्स दैट MCQ क्वेश्चंस. लुक ऑन द बोर्ड. यस, लुक ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. 14 + 16 + 12 + 18. Got it, children? And what is the sum? Find here what is the sum of these addends. First question MCQ में ये पूछी जाएगी, टिक द करेक्ट ऑप्शन में रहेगा सारे questions, और questions ये पूछी जाएंगी 14 + 16 + 12 + 18. These are the addends. ये हमारा क्या है? Addends है. And find the sum. आपको sum निकालना है. तो आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? Options are given in your question also. Option A is 14. Option B is 50. Option C is 60. And option D is 70. These are the options given in your question. इसी तरीके से questions होंगे. ये आपके questions होंगे, ये आपके options होंगे. These are the MCQ question. ये questions जो हैं आपको MCQ pattern में हैं. अब आपको find करना है which is the correct option for these questions, for this question. इस question के लिए आपके आप कौन टेबल परफेक्ट आंसर है. तो now start adding the both. You add 14 + 16. First you add 14 + 16. Option C, 60. Anyone more? 40, 60. How can you find your answer? First you add
14 plus 16. 6 plus 4, 10, 10 का 0, carry 1, 3. 30, 30 plus 12 means 42 plus 18. 8 and 2, 10, 10 का 0, carry 1, 4, 1, 5 and 1, 6. So the option C is correct. Well done everyone, your answer is correct. Option C is correct. Good. Same way you can say आपको MCQ questions इस chapter से related होंगी. Option 2 है, second option ये है आपका, 25 plus 35 plus 45 plus 55 equal to what? Find the answer. So option A is given in your question 130. Option B is given in your question 140 and option C is given in your questions 150 and option D is 160. Maybe 3 or 4 options will be given in your questions. 3 या 3 से ज़्यादा यानी कि 3 और 4 यानी कि 3 options भी हो सकते हैं या फिर 4 भी options हो सकते हैं questions में. आपको find करना है answer जो भी आएंगे और उसके बाद correct जो भी answers आएंगे आपको वो देख के आपको टिक लगानी है. Got it children? Option D 160. Rohit, yes, 25 plus 35. Find the answer. 5 plus 5, 10 plus carry 1. 3 plus 2, 5, 1, 6. 60 plus 45 means 5 plus 0, 5 and 6 plus 4, 10. So 105 and then you add 55 in 105. So the answer will be 160. So 160 is given in option D. So you tick the option D. Option D is correct. आप option D को tick लगाओगे because option D is correct for this question. इस question के लिए option D जो है हमारा वो correct है. Same way इसी तरीके से MCQ questions जो है addition में पूछी जाएंगी. Got it children? Yes, Aryan, good. Your answer is correct. Rohit, Pammi, Nidhi, both. Very good. Well done. One more question. Question number 2. Question number 3. The ones digit in the sum of 3656. 1948 is what? क्या होगा? वंस डिजिट बतानी है आपको. 4, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 6 एंड ऑप्शन सी इज 7 एंड ऑप्शन डी इज 8. Got it children? अब आपको बतानी है कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस एमसीक्यू क्वेश्चंस. कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए. गॉट इट? टेल मी द वंस डिजिट इन द सम. वंस डिजिट जो सम का है ऑफ इसमें एंड इसमें तो क्या होगा? टेल मी. और वंस डिजिट बताना है सम का, सम करके. टेल मी फास्ट चिल्ड्रेन विच इज द करेक्ट answer for this question. Yes, tell me. It's so easy and you can solve it easily in your question. Find the answer. What will be the correct answer? Kya correct answer hoga? Tell me. Tell me children. Look here in ones digit, that is 6 and that is 8. Got it? This is your ones digit and 6 and 8 add karoge aap. 6 plus 8 plus 6, so the answer is 14. So ones digit pe hamara correct option 4 because ones place pe thus ones digit in the sum of इतना एंड इतना क्या होगा? तो दैट इज 4.
Got it? Now next question is question number 4. If we add 9 tens, good morning Alok. Yes Rimjim, you answer. Question number 4 is, if we add 9 tens, 5 hundreds, and 3 ones, then the result is, result kya honge? Option A jo hai, option A, that is 70, option B, 395, option C, 593, and option D is given in your question, 953. Which option is correct for this question? आपको बतानी है कि कौन सा option correct होगा इस question के लिए. Tell me children, if we add, अगर आप add करोगे 9 tens, 500s and 3 ones, which option is correct? 953. Tell me, anyone tell me. No, 500, 9 tens 90, and 3 ones 593. Got it children? 5 in the place of hundreds. 5 kis place pe hai? Hundreds place pe hai. Got it? So that is 500. And 9 tens means 90. Kyunki 9 jo hai, kis place pe hai? Tens place pe hai. So the answer is, 90. And next is 3 in the ones place. 3 jo hai, hamara ones place pe. In the option is given 593. Kahan pe aapko options mein hai, jo diya hua hai, 593. Tell me. In option C. So the option C is correct. Got it children? Now may I rub the board? Yes. One more questions I will ask in this chapter. A school library has 2,698 books. Got it? About 578 more books. How many books does the library have now? Option A is 3,196. Option B is 3,256. And option C is 3,266. And option D is 3,276. The question is asked a school library has 2,698 books. Yani ki school library mein kitne books hain? 2,690 books hain. The school bought, school kharidti hai 578 more books. More matlab jyada. Yani ki jitne book to the utne hain hi. प्लस हम क्या करेंगे, 578 बुक्स और भी स्कूल ने परचेस किया है, खरीदा है. तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी बुक्स, यानी कि कितने बुक्स
डज द लाइब्रेरी हैव नाउ, यानी कि अभी कितने बुक्स प्रेजेंट हैं लाइब्रेरी में। तो आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हमारे पास लाइब्रेरी में थे 2698, एंड कितना ज़्यादा खरीदा गया है 578 बुक्स और ख़रीदा गया है। नाउ वी ऐड दीज एडेंट्स, हम इस एडेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8 + 8 = 16 carry 1, 9 × 1 = 10, 10 + 7 = 17 carry 1, 6 × 6 = 7 = 12, 12 × 2 = 1, 2 = 3. Where is the option given in your question 3276? So this is in option D, 3276 is the correct option for this question. Good, well done. वेल डन पम्मी निधि मैम, एग्जाम कब से हैं? आलोक, योर आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, गुड, वेल डन, योर परफॉर्मेंस इज नाइस। सो चिल्ड्रन, योर एग्जामिनेशन इज इन द मंथ ऑफ, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मे बी, आपके एग्जाम्स जो हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होंगे शायद, अभी डेट नहीं आई है, बट टेंटेटिव है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपके एग्जाम्स होंगे। बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस, आपके मैसेज आपके मोबाइल पे चली जाएंगी। यस, बोथ रिमझिम, योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन, योर परफॉर्मेंस इज, बोथ योर परफॉर्मेंस इज वेरी नाइस। नाउ कम इन नेक्स्ट चैप्टर, कम इन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, subtraction, subtraction, this is also the course of July, ये भी आपका July month का ही course था, दो chapters थे July में पढ़ने। Look at, look on the board, some, in this chapter, first we find the difference, आप जो है वो difference find किए हो, उसी तरीके से आपका इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्स्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आपको आता होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्स्ट्रैक्शन हमने बताया था जब हमने इसको ये करवाया था, क्लास करवाया था इसके। समटाइम्स शॉर्ट वे में कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास MCQ क्वेश्चंस होते हैं तो इतने टाइम नहीं होते हैं जो हम प्रॉपरली उसको ये करें। तो शॉर्ट वे में अगर 27 है प्लस 32 है, गॉट इट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे 20 प्लस 7 कर लोगे, इससे 30 प्लस 2 कर दोगे, गॉट इट, तो आप इजीली फाइंड कर लोगे ये 20 प्लस 30 50 प्लस 9 इट इक्वल टू 59। ये फास्ट एडिशन का एक तरह का प्रोसेस है जिसको आप इजीली कर सकते हो। इसी तरीके से सब्स्ट्रैक्शन भी इजी गोइंग कर सकते हो, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे, आप देखोगे 96 माइनस 23, यस, क्वेश्चन इज 96 माइनस 23। अब इसके सब्स्ट्रैक्शन को फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 96 से 20 को लेस कर दोगे, बिकॉज 96 से आप इजी 20 को लेस कर सकते हो, 3 अगर इससे हम हटा देंगे तो, 96 से जब हम 20 को लेस करेंगे तो कितना होगा, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या होगा, 76, गॉट इट। अब 76 में 3 आप लेस कर दो, दैट इज 73। अब 76 से अगर आप 3 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 73। तो आप इजीली लिख सकते हो 96 माइनस 23 = 73, गॉट इट चिल्ड्रन, ऐसे आप इजीली सब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो, जो कि हेल्पफुल होगा आपके MCQ क्वेश्चंस में, जब एट रैंडम आपको फाइंड करना पड़ेगा और आपके पास लिमिटेड टाइम होगी, तो उसमें उस समय ये आप प्रोसेस यूज़ करके आप इजी गोइंग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब आते हैं कुछ सब्स्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं जो टिक दी करेक्ट ऑप्शंस में रहेंगे। 900 - 201 = what? ऑप्शन ए इज 699, ऑप्शन बी इज
700. Option C is 701 and option B is 799. Tell me which option is correct. Tell me children first, which option is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? 900 माइनस 201. टेल मी फर्स्ट, हमने अभी तुरंत बताया शॉर्ट वे में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 900 में से 200 लेस कर देंगे 73. नो, इन दैट क्वेश्चन 73 इज द राइट आंसर, बट इन दिस क्वेश्चन टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन इज 900 माइनस 201, फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस आपको फाइंड करना है. टेल मी विच इज द करेक्ट डिफरेंस, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी 701. नो, रॉन्ग. आर्यन, योर आंसर इज रॉन्ग. डोंट डू फास्ट, इतना भी फास्ट मत कीजिए जो आपके आंसर्स जो है वो गलत हो जाए. यस, फास्ट करना है बट उसको प्रॉपर वे में करना है. जस्ट यू लुक ऑन द क्वेश्चन, 900 माइनस 200, अगर 900 में से 200 लेस करेंगे तो यू एब्सोल्युटली नो कि 700 हो गए, और 700 में 1 लेस कर देंगे क्या हो जाएंगे 699. बिकॉज 699 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होंगे 700 हो जाएंगे. 700 हो जाएंगे, तो इसीलिए हम 699 आंसर करेक्ट होगा. किसका? 900 माइनस 201. गॉट इट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. 900 में से 201 लेस करना था, तो 900 में से 200 लेस करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास 700 ही बचेगा. अब 700 में आपको 1 भी और लेस करना है, तो जब हम 1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 699. Got it? Yes. So your answer is wrong. The option A is correct. Yes, Aryan. Yes. Do you understand? How can I find the answer? How can I find the difference? Tell me. Have you any problem in this question? Tell me fast, children. Look on the process and look on the board also. Look on the board and look on the questions and process both. दोनों को देखिए कि कैसे हमने निकाला है. May I rub the board? Write in your comment box fast, children. Now come in question number 3. 14 less than 14. Question number 2. 14 less than 41 is. Option A is 7. Option B is 33. And option C is 27. Option D is 37. Tell me which option is correct. 14 less than 41. Yes, ma'am. Good, good. Well done. But you reply slow. First, you reply on your comment box. So, children, tell me, 14 less than 41. 41 में से 14 less करेंगे तो कितना कम होगा? Yes. कितना कम होगा? Which answer is, which option is correct? कौन सा option correct होगा? First, you write 41 and less 14 in 41 से 14 को लेस करेंगे तो 11 में से 4 लेस करोगे तो क्या होगा? टेल मी. यस, गुड. 11 में से लेस करोगे तो क्या होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 11 में से हम 4 को लेस करेंगे 7. गॉट इट? 11 में से 4 लेस करेंगे 7. यस, और ये हम कैरी ले लिए तो इसलिए यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2. 27. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेल डन आलोक, वेल डन आर्यन, योर आंसर इज करेक्ट. इसी तरीके से आपको इस चैप्टर से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन में. वन मोर क्वेश्चन इज, लुक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
which number will come next in pattern in the pattern shown below. जो पैटर्न आपको दिया हुआ है उसमें बताना है कि हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा. गॉट इट. सिक्सटी वन फिफ्टी सेवन एंड फिफ्टी वन. टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. ए 41, बी 43, सी 45 and D 47. Tell me which option is correct. Tell me fast. Look here children, 63 or 61 mein kitne ka gap hai? To 63 or 61 mein gap kitne ka hai? Wo 2 digit ka hai. Got it? जैसे 63 के बाद बैकवर्ड अगर जाएंगे तो 62 हमने नहीं लिखा और 61 लिखा. एक डिजिट का गैप है यहाँ पे. सॉरी, यहाँ पे एक वन डिजिट का गैप है. और यहाँ पे आप देखोगे 57, 61 के बाद कितने डिजिट का गैप है 57 में. तो 57, 58, 59, 63 डिजिट का गैप है. और फिर उसके बाद कितने डिजिट का गैप है 3 के बाद, 57 और 51 के बीच. तो यहाँ पर आपने देखा वन डिजिट है, यहाँ पे आपका 3 डिजिट का गैप है. और अब हमें ये देखना है 51 और 57 के बीच कितने का गैप आ रहा है. तो लुक इन द पैटर्न, 52, 53, 54, 55, 56, यानी कि 5 का गैप आ रहा है. गॉट इट. अब देखोगे 1 फिर 3, यानी कि हमारा 1 का गैप 2 का गैप करके है 1, 3 एंड 5. एंड आफ्टर 5 द गैप विल 7 का गैप हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम 51 में से 7 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा. क्या होगा टेल मी. 47. एनीवन Tell me fast. Yes. Aryan, Pammi, tell me. Tell me first which option is correct. 43. 43 in the option B. So option B is correct. Got it children? Same way, इसी तरीके से इस chapter से भी आपको जो है questions पूछे जाएंगे MCQ. और next day हम आगे भी chapters के MCQ questions आपसे arise करेंगे. Good Alok, your answer is correct. So तब तक के लिए goodbye, take care and revise your July, August and October course. Goodbye.